भयो है। उस अर्थ में मैं वाकू अष्टछाप से भी यार लिए विशिष्ट मानू हूं कि अष्टछाप के जो पद हैं उन पदन में व्रजभक्तन के और कृष्ण के संवाद हैं, पर एक पुष्टि मार्गी होने के नाते अपनों अपने ठाकुर जी के साथ क्या संवाद होना चाहिए, वाकई कोई ने पद लिखे हैं ना, तो एक भक्त कवि दयाराम भाई ने लिखे। आज की तकलीफ ऐसी है कि दयाराम भाई की गुजराती इनको समझ में नहीं आ रही है, गुजराती इनको समझ में नहीं आ रही है, तो ये अपना एक दुर्भाग्य सब कि अपनी इतनी समृद्ध भाषाएं हैं, इतनी समृद्ध भाषाएं हैं, उनको अपन भूलते जा रहे हैं। तो या लिए मैंने चले 25 साल से प्राय प्रवचन ब्रजभाषा में ही करूं हूं कि जैसे अपन ब्रजभाषा भूलें नहीं। ब्रजभाषा के एक प्रकार नहीं है, ब्रजभाषा के 4-5 प्रकार हैं, और ब्रजभाषा का एक प्रकार जो है वो कीर्तनन की ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा को दूसरा प्रकार वार्तान की ब्रजभाषा है, वार्ता और वचनामृत की ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा को एक तीसरा प्रकार मथुरा की ब्रजभाषा, आगरा की ब्रजभाषा अलग हो गए है, और ब्रजभाषा को एक प्रकार गामठी ब्रजभाषा अलग है, और एक ब्रजभाषा को प्रकार जो है वो आज हम वेल्लनाटियन में बोली जाती ब्रजभाषा है। वहां में समुद्र में जैसे कई नदियां समा जाएं, ऐसे कई भाषाओं के शब्द समाए गए हैं, मारवाड़ी के, गुजराती के, और मेरे जैसे बोलने वालों है तो हमें अंग्रेजी भी समा जाए, कई लोगों को आपत्ति हो, पर भाई समुद्र में तो सभी चीज समा हुए, उर्दू भी समा जाए। तो हमारे बड़े जमाई हैं, हमारी बड़ी बेटी हर वक्त कहती कंटाला आवे, वो कहती कंटाला कौन सी भाषा का शब्द है, ये तो बताओ पहले आता है होगा ठीक होगा, कंटाला आता है। कंटाला जो है वो गुजराती को भी शब्द नहीं, क्योंकि गुजराती में कंटाड़ो है शायद, पर हमारे ब्रजभाषा में वो कंटाड़ो जो है वो कंटाला हो गई, और ला भी नहीं है कंटाला है। तो ये हमारी ब्रजभाषा के भी एक प्रकृति अलग है, और वो ब्रजभाषा हम बोले हैं, और ये एक जीवित ब्रजभाषा है, ये जीवित ब्रजभाषा है। केका शास्त्री ने के साथ वो, क्योंकि भाषाविद थे गुजरात के बहुत बड़े, तो एक दिन उनके मेरे चर्चा चल रही थी, तो उनने मुझसे कही कि एक काम बाबा केम नहीं करता क्या ब्रजभाषा नो ग्रामर लखो, मैं कहते एवं पाप हूं क्या रे न करूं, केम के जो ग्रामर लखूं ब्रजभाषा नो तो ब्रजभाषा मरी जैसे, आ जीवित छे एटला माटे के अमे व्याकरण नहीं लख्यो, एटले जेने जेवी रीते बोलवू होय ते बोली शके छे ब्रजभाषा। और आश्चर्य की बात बताऊं कि जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं वैष्णव गुजराती, वो भी कितनी अच्छी ब्रजभाषा बोले हैं, पर उनकी स्वतंत्रता है वहां में गुजराती शब्द कैसे डाल देना। उनकी जैसे हमारी स्वतंत्रता है कि हमारी ब्रजभाषा में कैसे गुजराती शब्द डाल देना, ऐसे उनकी गुजराती में ब्रजभाषा के शब्द कैसे डाल देना, उनकी भी स्वतंत्रता है। तो ये तो एक्सचेंज की बात है, और हर एक्सचेंज से भाषा समृद्ध हो है। आज जो है वो ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी में मुकुंदलक भूत तो नहीं हो तो 5-10 हजार शब्द हिंदुस्तान के शब्द हैं, वो सब एब्जॉर्ब किए है, वो भाषा रिच हो है, समृद्ध हो है, व्याकरण बनाते ही वो भाषा बंद जाए है और फिर खत्म हो जाए। तो मैं या लिए ब्रजभाषा में बोलूं हूं या खुलासा के साथ आज का प्रवचन मैं ब्रजभाषा में करूंगा, इतनी बात। और यदि कोई को नहीं समझ में आता है तो थोड़े मेरे साथ तकलीफ कुछ सी लो, क्योंकि मैं ब्रजभाषा बोलूं और आप तकलीफ पाते हो, और समझो कि मैं गुजराती बोलूं, ये नवनीत प्रिय शास्त्री के यही या में छाप्यो है, मैंने नवनीत प्रिय शास्त्री को, मैंने शास्त्री जी बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मने एक प्रॉब्लम छे कि गुजराती में क्यारे पुल्लिंग आवे क्यारे नपुंसक लिंग आवे, एनु कहीं मने गतागम नहीं पड़तो। शास्त्री जी ने कहे आप संस्कृत नु ग्रामर जानता हो तो आपने केम प्रॉब्लम आवी जोईए, मैं कुछ वारू तो समझी गयो। तो मैंने पहलो सेंटेंस लिखियो कि नवनीत प्रिय शास्त्री जी तमारू पत्र मळ्यो, उन्होंने कहे आ मिस्टेक छे पत्र मळ्यो। तो संस्कृत में तो पत्रम पत्रे पत्राणी छे, पत्रा पत्र पत्रा नहीं, गुजराती नो कई नोकू ग्रामर छे, संस्कृत नो नोकू ग्रामर छे, हिंदी नो कई
મારો આત્મા ગુજરાતીમાં છે, મેરી આત્મા હિન્દી હૈ. વો એક આત્મા પુલ્લિંગ જાય તો સ્ત્રીલિંગ કુછ પતા હી નહીં ચલે. ત્વં કુમાર ઉત્વા કુમારી ત્વં જીર્ણો દંડે ને વંચેસિ. ખ્યાલ મેં આયો ના? તો યે સબ ભાષા કે ભેદ કી વિવિધતા હૈ. એકો હમ બહુત સે હમ કી વામે ચિડનો નહીં ચાહીએ, વામે કુડનો નહીં ચાહીએ, વામે ટોકા ટાકી નહીં કરની ચાહીએ. વો ભાષા કી વિવિધતા કો મજા લેનો ચાહીએ, ક્યોંકિ અપનો શુદ્ધાદ્વૈત હૈ. એક કો એક અપને આ સ્વરૂપ હૈ ઓર અનેકતા અપને આ લીલા હૈ. તો એક સ્વરૂપ હૈ ઓર અનેકતા લીલા હૈ. અકેલી દોનો બાત એન્જોય કરની ચાહીએ કે ભાષા કો શુદ્ધ રૂપ કૈસો હોવે ઓર ભાષા કી. બનારસ મેં ગયો ને, વહાં તો લોકો કહેતે થે આ ઘણું અચ્છું છે. ઘણું અચ્છું છે ક્યા હોવે? ઓર પાછા એસે બોલે તમે યહાં ક્યાં થી આવી ગયા? યહાં ક્યાં થી? બનારસી બ્રજભાષી ગુજરાતી હૈ, ક્યોંકિ 300 સાલ પહેલે બનારસ વાલે વહાં જાકે બસ ગયે ગુજરાત સો. અબ ઉનકી ગુજરાતી યા તરીકે કી ગુજરાતી હૈ. તે વિવિધતા હૈ અપને યહાં, ઓર યહ વિવિધતા કો આનંદ લેનો ચાહીએ. એસે જો બ્રજભાષા કી હમારી વિવિધતા, હમારી એક એક એસી બ્રજભાષા હૈ કે જો બહુત હી ફ્લેક્સિબલ હૈ ઓર સમજને મેં તકલીફ નહીં હોની ચાહીએ. તો મેં બ્રજભાષા મેં આજ કો પ્રવચન કરુંગો. યદ્યપિ થોડી વિરૂપતા આયેગી કે કલ કો આધો પ્રવચન ગુજરાતી મેં ભયો, આધો પ્રવચન આજ બ્રજભાષા મેં. આપ ઠીક હૈ, પહેલે બ્રહ્મા આગે કહતો ફિર અનેક હો ગયો. વાત રહે સુ આપકો સમજ. કલ મેને આપકો બતાઈ થી એક બાત કે યે મહાપ્રભુજી કે મંદિર કે ઔચિત્ય કો અપન કો 3 પેરામીટર પે વિચારનો હૈ. એક સૈદ્ધાંતિક ઔચિત્ય વાકો, એક વ્યવહારિક ઔચિત્ય ઓર એક સામયિક ઔચિત્ય. અબ 2 ઘંટા હો ગયે થે કરકે મુકો આપકો જ્યાદા ખૂન પૂના પસંદ નહીં આયો કલ કરકે. સૈદ્ધાંતિક ઔચિત્ય કો જો વિષય હતો કવર નહીં હો પાયો, જીતનો કવર હો પાયો. પર આજ વાક પ્રશ્ન કો થોડો ફિર સુ મેં છેડનો ચાહ રહી હું, ક્યોંકિ સૈદ્ધાંતિક ઔચિત્ય સમજે બિના વ્યવહારિક ઔચિત્ય કો કોઈ જસ્ટિફિકેશન નહીં સમજ મેં આવે. ઓર વો સૈદ્ધાંતિક ઔચિત્ય મેં મેને આપકો એક બાત બતાઈ થી કે વેદા શ્રી કૃષ્ણ વાક્યાનિ વ્યાસ સૂત્રાણી ચૈ વહી સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણંત ચતુષ્ટયમ. પ્રમાણ ચતુષ્ટય કી એક વાક્યતા સુ જો બાત સિદ્ધ હોતી હોય વો સિદ્ધાંત હૈ. એતદ વિરુદ્ધમ યત સર્વમ નતન માનં કતંચન. યાસુ વિરુદ્ધ હોય તો આપકો પ્રમાણ નહીં માનના ચાહીએ. તો ગુરુ સેવા પ્રમાણ ચતુષ્ટય સુ કેસે સિદ્ધ હૈ? આચાર્ય ઉપાસન, આચાર્ય સેવા, ગુરુ સેવા વગેરે, વો અપનને કલ વિષય પૂરો દેખ્યો. વાક્ય બાદ મેં આપકો બતાઈ હતી કે એક નિર્ધારણ કી રીતિ હતી જો પુષ્ટિમાર્ગ કી નહીં હતી, સર્વસાધારણ વૈદિક ધર્મ કી હતી. ઓર વો યે હતી કે શ્રુતિ સ્મૃતિ સદાચાર સ્વસ્ય ચ પ્રિયમાત્મના. શ્રુતિ સ્મૃતિ સદાચાર ઓર અપને કો જો પ્રિય હૈ વામે પૂર્વપુર કે જો હૈ વો પ્રામાણ્ય બલવાન હૈ, ઉત્તર ઉત્તર કો પ્રામાણ્ય નિર્બલ હૈ. પર ચારોન કી જહાં એક વાક્યતા હો જાય વો સબ સુશ્રેષ્ઠ ધર્મ હૈ. યે અપને સબ ચાહે શંકર હોય, શૈવ હોય, શાક્ત હોય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય હોય યા સંપ્રદાય કે બહાર કે ભી જો વૈદિક ધર્માનુયાયી હૈ ઉન સબકો યે સિદ્ધાંત હતો. વો ભી મેને સમજાયો તો આપકો કે શ્રુતિ મેં કહાં સુ આયો, સ્મૃતિ મેં કહાં સુ આયો, ગીતા વગેરે કે ઉદાહરણ દેકે, બ્રહ્મસૂત્ર મેં કેસે આયો, સદાચાર મેં કેસે આયો. વાક્ય અંતર્ગત મેને આપકો એક બાત ઓર સમજાઈ હતી કે વો જો જનરલ કન્સેપ્ટ હૈ વાકુ અપને પુષ્ટિ માર્ગ મેં શ્રુતિકલ્પ મહાપ્રભુજી કે વચન હૈ, સ્મૃતિકલ્પ મહાપ્રભુજી કી વ્યાખ્યા ગ્રંથ હૈ, ઓર સદાચાર કલ્પ વા વ્યાખ્યા ઓર વા સિદ્ધાંત વચન કે અનુસાર જિનને પુષ્ટિ માર્ગ કો જીનો ચાહ્યો ઉનકો આચાર સદાચાર કલ્પ હૈ. ઓર વાક્ય બાદ જો અપની સામયિક પરિસ્થિતિ વશ જો અપને કો અનુકૂળતા આવે વો સબકો, જહાં એક વાક્યતા હો જાય તો વો અપનો સચ્ચો ધર્મ હૈ, જહાં વિરોધ આ જાય
तो ऑर्डर ऐसे करना कि सदाचार सु यदि विरुद्ध अपने कोई बात अच्छी लग रही है तो वाकू प्रामाण्य नहीं है, सदाचार की बात कोई स्मृति के वचन से विरुद्ध लग रही हो तो वह सदाचार को प्रामाण्य नहीं है भले करते हो। संस्कृत में कहवत है तातस्य कूपोयम इति ब्रुवाणाम क्षारम जलम का पुरुषा पिबंती, बाप को कुआ खारो तो करके खारो ही जल पी, भाई पर मीठा जल मिलता है तो क्यों खारो जल पी दो। और वो स्मृति के वचन भी यदि श्रुति से विरुद्ध हो तो वह को प्रामाण्य नहीं मानना। या प्रसंग में आचार्य चरण की आज्ञा क्या है, खास करके आचार्य की सेवा, आचार्य की पूजा, गुरु सेवा, गुरु पूजा वगैरह के बारे में वो, और वाके बाद आचार्य की जो व्याख्याएं भई हैं वह हमें प्रथम व्याख्या अपन श्री गोपीनाथ जी और गोसाई जी की लें तो उनकी व्याख्या, और परवर्ती उनके ग्रंथन की जिनने व्याख्या करी है उनकी व्याख्या, और वो सदाचार में अपने यहाँ कैसे निभ्यो वो व्याख्या। ये जो एक वाक्यता है श्रुति स्मृति सदाचार सस्य प्रियमात्मना की पुष्टि मार्ग के रेफरेंस में वो कंसेप्ट कल छूट गए हो तो सो आज मैं फिर से आपके साथ वाकु शेयर करना चाह रही हूँ। महाप्रभु जी को एक वचन है, निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस्तथैव च यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता गुरु सेवा पितादृशी जिज्ञासा शेष भावित्वं तथापि विनिगद्यते। बहुत सारे फेसबुक में एकदम मूर्खता भरे सवालन के आक्षेप सब उठाए जा रहे हैं वको पप्पून के द्वारा, वको मूल कारण है कि महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं अपने को समझ में नहीं आ रही है। निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो कह रहे हैं महाप्रभु जी, जैसे निरालंब व्यक्ति जाको कोई आलंबन नहीं होए वो अपने स्थान से गिर जाए, हर वस्तु को कोई न कोई आलंबन हुए, जैसे मकान है मकान को आलंबन वाकी नींव होवे है, जाकी नींव मजबूत नहीं होवे है वो मकान ढह जाते हुए, और जाकी नींव मजबूत होवे वो भूकंप में भी नहीं ढहते हुए। तो अपना कोई मकान है और वह मकान की नींव क्या है, तो स्थान भ्रष्ट निगद्यते वो स्थान भ्रष्ट हो जाए है, वो चरमरा के ढह जाए बिल्डिंग, जाकी नींव कच्ची होए और नींव पक्की होए तो बिल्डिंग ढह जाए तो भी नींव कायम रहती हो वह। ऐसे अपने कल मैंने आपको बताया कि ब्रह्मज्ञान की नींव श्रुति ने, स्मृति ने, सदाचार ने, और वह जमाना के जो सस्य प्रिय हते उन लोगों ने सब ने ब्रह्मज्ञान की नींव आचार्योपासन में डाली थी। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्य उत्तर रूपम विद्यासंधि प्रवचन गुम संधान, वहां नींव डाली थी ब्रह्म ज्ञान की नींव यहाँ है, और वो बात गीता ने भी समझाई थी, और वह संदर्भ में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्ट निगद्यते, निरालंब व्यक्ति जैसे स्थान भ्रष्ट हो जाए जाको अवलंबन नहीं मजबूत हो वो अपने स्थान पर टिक नहीं सके। मुझको अच्छी तरह से याद है यहाँ बड़ौदा के ही कोई एक वैष्णव होते जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा विराज है दो तीन पीढ़ी की, और काफी पढ़े लिखे ऐसे कोई अनपढ़ भी नहीं और बुद्धिमान भी, ऐसे नहीं कह सके कि मूर्ख होते पप्पू होते, बावजूद या के एक दिन मेरे पास आए तो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे बंबई में कि ये है वो है तमारा पुष्टि मार्ग में, वही तमारे त्या पण ब्रह्म संबंध तो लीधो छे ना, ल्या लीधो छे पण पछी हवे मैं छोड़ी दीधो पुष्टि मार्ग,
उनकी पुष्टि मार्ग क्यों छोड़ दिया आपने? शायद मैं भूल तो नहीं होते, यहां हालोल के ही कोई बाबा आते, बाबा मने मुसलमान फकीर आते। वो एक दिन उनके घर गए और उनके घर जाके उनने कही कहे, माँ ये जितने गोसाई बालक है ना, ये महाप्रभु जी की आड़ी से ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, उनमें उनको खुद को तेज नहीं है, और मैं तुमको दीक्षा दे रहे हूं, कोई तो सूफी मत के आते, वो कोई दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम, तुम्हारे भरोसे तुम दीक्षा देते हो, तो वो यहाँ के हालोल के ही कोई बाबा आते, फकीर आते, क्या उनको क्या है, कोई ऐसे कुछ है तो नाम उनको कमली वाले आते कि क्या आते, कुछ तो ऐसे हो, तो उनके वो सेवक हो गए। तीन पीढ़ी से उस घर में सेवा बिराज रही है, वैभव की सेवा बिराज रही है, पर वो सूफी मत के सेवक हो गए। निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्ट निगद्यते, क्योंकि उनके यहाँ सेवा बिराज रही थी, पर कोई भी पुष्टि मार्गी गुरु से न तो उन्हें पुष्टि मार्गी सिद्धांत समझो, न कोई गुरु ने उनको समझाया, ये प्रॉब्लम भाई। तो निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते, वो स्थान भ्रष्ट हो गए इतनी छोटी सी बात पे। बालकें कौन से रूप से ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, और वो फकीर बाबा जो होते उनने कौन से रूप से उनको दीक्षा दी, या विषय पे अपन नहीं जाएं, समझने की बात है कि मजबूत नींव नहीं होए तो बिल्डिंग ठहे है, बिना भूकंप के भी ठह जाती हो। यह बात को श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस तथै वहि। हरि की कृपा विशिष्ट है तुम्हारे पर गुरु कृपा की जो तुम्हारी नींव नहीं है, तो कृपा हरि कृपा को जो भवन है वाके भी ठहरने के चांसेस तो रहे ही है, या के लिए गुरु कृपा होनी चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है, क्योंकि ये तो जनरल सिद्धांत तो उपनिषद में भी कहो गयो है, गीता में भी कहो गयो, स्मृति में, पुराण में, ब्रह्मसूत्र वगैरह सब में कहो गयो है। वाके बाद एक महाप्रभु जी विधान कर रहे हैं, वो अपने या प्रसंग में खास ध्यान देने लायक है, और वह में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता गुरु सेवा पिता दृशि। महाप्रभु जी भक्ति को स्वतंत्र माने। आज भी अपन ने भागवत पूजन के बाद भक्ति वच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यसनो भूति हेतु, यह महाप्रभु जी को एक वाक्य है। तो महाप्रभु जी को एक स्वतंत्र भक्ति की बात कर रहे हैं। जो भी वल्लभाख्यान को पाठ करते होंगे उनके बात पढ़ते होंगे, पुष्टि मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए। ये स्वतंत्र मने बंदर की तरह, जहां मन चले जाए वहां मन जाने को वह स्वतंत्रता नहीं है, एक बंदर की स्वतंत्रता हुआ है। मने मनांसी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनरा। तो एक वानर और वैनर में इतना फर्क है कि मन जहां चले गए वहां बंदर चले जाए, एक डाल पर बैठे निशा का चंक्रमण करते ही रहे, वो एक स्वातंत्र है। वह तरीके के स्वातंत्र को यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ कोई दूसरे तरह के स्वातंत्र को प्रश्न है। और वो स्वातंत्र क्या, वो स्वातंत्र पे अपने को विचार करना पड़ेगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी के भगवान के रूप को एक स्वतंत्र सामर्थ्य है जीव के उद्धार करने को। वो स्वतंत्र सामर्थ्य क्या, बहुत सारे आचार्य भय हैं, बहुत सारे थियोलॉजियन भय हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत सारे ने ये बात मानी भी है, पर कहने की हिम्मत यदि कोई को पड़ी है तो अपने महाप्रभु जी को, कि भगवद रूप स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है, ते नाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा केवल नहीं भावे न गोप्यो गाव खगा मृगा। तो जिन जो उपाय हते आत्मोद्धार के,
उन आत्मोद्धारण के उपाय के अधीन रूप आपको उद्धार नहीं करे है, भगवत रूप जो है वो आपको उद्धार करे है आत्मोद्धार के उपाय के बिना भी। ये रूप को स्वातंत्र है, भगवान के रूप को स्वातंत्र। और ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि रूप से उद्धरण ये अवतार काली की कथा है, रूप से उद्धरण ये अनावतार काली की कथा नहीं है। और भगवान रूप से उद्धार करने में, यही लिए भागवत में कहो है कि यमीह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। जब भगवान अर्जुन को रथ हाँक रहे थे और जो मर रहे थे कौरव के पांडव के सैनिक, पर जिनकी मरते मरते भगवान के कृष्ण के रूप पे निगाह टिक गई, अरे क्या छटा सुरथ चला रहे हैं, उनको मुक्ति मिल गई। यमीह निरीक्ष गता हता स्वरूपम, उनको स्वरूप प्राप्ति हो गई। अब हृदय ज्ञानान्न मुक्ति एक सिद्धांत है और यहां रूपादपि मुक्ति को एक सिद्धांत है। तो ये रूप को स्वातंत्र है, स्वातंत्र माने साधन की अपेक्षा रखे बिना केवल रूप से स्वातंत्र उद्धार जीव को हो सके है। और ये अवतार काल में प्रभु ने प्रकट कियो है। तो जैसे भक्ति एक स्वतंत्र साधन है, ऐसे भगवत रूप भी अवतार काल में एक स्वतंत्र साधन है। पर अनवतार काल में महाप्रभु जी माने कि रूप स्वतंत्र साधन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र साधन है। वाको रूप प्रकट होवे कि नहीं होवे, पर अपने हृदय में यदि वो भक्ति प्रकट कर रहे है, अपने हृदय में यदि वो भक्ति प्रकट कर रहे है, तो आपको रूप प्रकट नहीं भी भयो, तब भी भक्ति तुम्हारा उद्धार कर सके है। या लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें, सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापि तिमतिर्मम। जरूरी नहीं है सेवा कथा में भी तुम्हारे को, कथा की प्रणाली से भी यदि भक्ति प्रादुर्भाव हो गयो। एक बात ध्यान से समझो कि भक्ति वर्धिनी में प्रेम आसक्ति व्यसन दशा सेवा की नहीं बताई है, कथा की बताई है थियोरिटिकली। ये तो व्याख्या करनी हो तो जबरदस्ती एक शास्त्र जो निर्णित हो गए एक ठिकाने वो असति बाद के अन्यत्रापी वो शास्त्र को लागू करना वह सिद्धांत से वो सेवा पे भी लागू हो रहे है। बाकी भक्ति वर्धिनी में प्रेमाशक्ति व्यसन की जो बात है वो कथा के कल्प में आई है, सेवा के कल्प में नहीं आई है। क्यों? जैसे रूप स्वतंत्र है अवतार काल में, ऐसे भक्ति भी स्वतंत्र है कि भगवत रूप प्रकट नहीं भय होए, पर तुम्हारे में भक्ति है तो तुम्हारा उद्धार हो सकेगा। ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गुरु सेवा पिता दृष्टि, गुरु सेवा भी एक स्वतंत्र है। गुरु सेवा सु तुमको उद्धार होएगो। अरे ये पप्पू है क्या कहें, वचन बताओ। अरे वो वचन तो बतायो है ना, ये वचन बताओ कि महाप्रभु जी के स्वरूप सेवा से कैसे होएगो। तो भाई एक बात ध्यान समझो कि यदि महाप्रभु जी के अवतार काल की ये बात होती तो बैठक सेवा भी नहीं करनी चाहती थी, चित्र सेवा भी नहीं करनी चाहती थी, पादुका सेवा भी नहीं करनी चाहती थी, हस्ताक्षर सेवा भी नहीं करती चाहती थी। महाप्रभु जी के हस्ताक्षर सेवा में विराज रहे हैं कि नहीं, महाप्रभु जी के चित्र सेवा में विराज रहे हैं कि नहीं, महाप्रभु जी के जो है वो बैठक में सेवा हुए कि नहीं हुए। तो यदि गुरु सेवा नहीं है वो, और गुरु से रिलेटेड कोई बात की सेवा है ये अपन मान रहे हैं, और वो स्वातंत्र यदि यहां नहीं लागू हो रहे है, ये लागू भी मुझको लगा शायद ब्रजभाषा पर शब्द नहीं है, आ गया हमारी ब्रजभाषा में माने ये जो शब्द है स्वातंत्र को, गुरु सेवा स्वतंत्र है, जैसे भगवान को रूप स्वतंत्र है, जैसे भगवत भक्ति स्वतंत्र है। एक बात ध्यान से समझो, ऐसे ही गुरु सेवा भी स्वतंत्र है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। और वह अर्थ की विवेचना अपने को धीरता से गंभीरता से समझनी पड़ेगी। कौन को अहंकार है, कौन को अहंकार नहीं है, कौन ने सिद्धांत पाले हो, कौन ने सिद्धांत तोड़े हो, कौन पाखंड कर रहे है, ये तेरी मेरी जितनी करनी हो कर लो, वहां में कोई चिंता की बात नहीं है। पर यह बात को समझनी तो पड़ेगी शांत चित्त से कि महाप्रभु जी स्वतंत्र कौन से अर्थ में कह रहे हैं।
महाप्रभु जी जब वक्त गुरु सेवा को स्वतंत्र बता रहे हैं, सेवा के मुख्य दो प्रकार हुए हैं, नित्य और नैमित्तिक। एक नित्य सेवा, पद के भी अपने आप देखोगे ना तो दो विभाजन है, नित्य के पद, वर्षोत्सव के पद। एक्चुअली तो तीन चार विभाजन है सेवा के पदन के, नित्य के पद, वर्षोत्सव के पद, ऋतु उत्सव के पद और दीनता आश्रय के पद, जो पढ़ाने के बाद करे जाए। हाँ, तो ऐसे इतने प्रभेद हैं पदन के, बहुत रिच समृद्ध साहित्य अपना, बहुत समृद्ध साहित्य। ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर ने मुझसे पूछी कि गोस्वामी जी आपके यहाँ के पद कितने हैं, मैंने कही मिनिमम तो 15,000, और भी थोड़े चाहिए तो बता दूंगा लिस्ट, क्योंकि इतने तो ऑलरेडी हैं। बाकी बहुत सारे भक्तन ने पदे लिखे हैं जो गाए नहीं जा रहे हैं पर गाए जा सके हैं। इन 15,000 में हरिचंद जी के पद को अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, इन 15,000 में अपन वल्लभदास जी के पदन को काउंट नहीं कर रहे हैं, पर बहुत समृद्ध साहित्य है। नागरीदास जी संभव आ गए अपने यहाँ सेवा के पदगान में, पर ये सब नहीं आए, दयाराम भाई नहीं आ पाए हैं, पद गाए जाए हैं अपने यहाँ। नरसिंह मेहता के पद गाए जाए हैं, सब जगह नहीं गाए जाए हैं, पर सूरत में अभी भी नरसिंह मेहता को पद गाए जाए, क्योंकि जा दिन बाल कृष्णलाल सूरत पधारे वह दिन कोई पद गाने वाला नहीं है, तो और जा वो कौन सा चकला, कोई तो चकला में बिराज है ना, उनको मंदिर है सूरत का मंदिर, छोटा बाजार को जो वो चकला है, वह चकला में एक डोकरी को खाली नरसिंह मेहता को पद आता तो वह ने वह डोकरी ने नरसिंह मेहता को पद गान करके बालकृष्णलाल को सूरत में स्वागत किया। वह बालकृष्णलाल सूरत में पधारे, वह दिन के उत्सव को आज भी नरसिंह मेहता के पद से गाया जाए, तो नरसिंह मेहता को पद भी गाया जा सके, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि पुष्टि मार्गी पद ही गाए जा सके, नहीं ऐसी बात नहीं है। हितहरिवंश जी के पद अपने यहाँ गाए जा रहे हैं, हितहरिवंश जी के पद अपने यहाँ गाए जा रहे हैं, अपने यहाँ जगन्नाथ जी के पद गाए जा रहे हैं, यद्यपि जगन्नाथ जी जो हते वो गोसाई जी के भाने जाते, पर पुष्टि मार्गी नहीं हते, मायावादी हते, पर कृष्ण के पद उनने इतने अच्छे लिखे हैं कि अपन गावे हैं, बहुत मीठे पद हैं जगन्नाथ जी के। ऐसे ही उनके जयदेव जी के पद अपन गावे हैं, तो बहुत सारे पद अपन गावे हैं, व्यास जी के पद गावे हैं, वो भी पुष्टि मार्गी नहीं हते। तो ये भी एक भ्रांति फैला रखी है कि अपन गांव में नहीं है, ये पप्पूएं 50 तरह की भ्रांति फैलाती हूं मैं, कौन सी चीज को समझे नहीं बुझे नहीं, व्यर्थ में कुछ कुछ उपद्रव करते रहे। तो ब्रजभाषा के पद जो होते वो नहीं गाए जाए ऐसा भी नहीं है अपने यहाँ। बहुत सारे भक्त कवि ने पुष्टि मार के, जैसे अभी रिसेंटली आपको बात बताऊं तो पोरबंदर वाले द्वारकेश लाल जी के जो बहुजी हते या कोई बेटी जी हते, मुझको निश्चित नहीं याद है, उनके पद आप पढ़ो कितने मीठे पद हैं, बहुत मीठे पद हैं, क्यों नहीं गाए जा सके, क्यों नहीं गाए जा सके। हरिराय जी के पद गाए जा सकते हो, द्वारकेश जी के पद गाए जा सकते हैं, इतने लेखकार वल्लभ जी के पद गाए जा सकते हैं, अच्छे पद भाव के लिखे हैं, क्यों नहीं गाए जा सके ठाकुर जी के सामने, गाए जा सके। नागरीदास जी के पद गाए जा रहे हैं, नागरीदास जी कहाँ अष्ट छाप में आते, उनके पद गाए जा रहे हैं, बलिठनी जी के पद गाए जा रहे हैं, तो अपन गा सके, पद नहीं गा सके ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे पुष्टि मार्ग को साहित्य बहुत विपुल है, जो पुराने प्रसिद्ध गाए जाते पद 15,000 हैं, नहीं गाए जाते पद यदि देखोगे ना तो पुष्टि मार्गी साहित्य कम से कम 20-25,000 तक जाएगा, इतना बड़ा विपुल साहित्य अपना ब्रजभाषा में है कीर्तन को, और गुजराती भी गाए जा सके। और हरिराय जी ने पंजाबी पद लिखे हैं,
बाजे बधाइयां वे सैया नंद दे दरबार, ऐसे पंजाबी के पद हैं अपने यहाँ, वो भी गाए जा रहे हैं। और लखनऊ में तो मैं गयो तो मेरे को अद्भुत ब्रह्म ज्ञान मिलो कि ब्रज भाईल महरवा के पूतवा जब ये बात सुनिल, मैंने कहा ये कौन सा पद है, मैंने कहा ये हमारे यहाँ ऐसे गाया जाता है कि ब्रज भाईल महरवा के पूतवा जब ये बात सुनिल, गायो जा सके भाई, क्यों नहीं गाया जा सके, ये तो भाव को